A question says a screw gauge gives following reading when used to measure diameter of a wire. Main scale reading 0 mm and circular scale reading uh, 52 division. Given that 1 mm on the main scale corresponds to 100 division on the circular scale, question is diameter of the wire from the above data is. now. स्क्रू गेज आई एम श्योर आप लोगों ने देखा हुआ है तो इस तरह से अगर आप स्क्रू गेज को uh, या जो आप इसका माइक्रोमीटर होता है सो तो ये आपका सर्कुलर स्केल है और ये आपका मेन स्केल है तो अगर इसमें आपने अपने को दिया हुआ है कि वन एम एम ऑन मेन स्केल आपका वन एम एम मेन स्केल में और यहाँ पे हंड्रेड डिवीजन सर्कुलर स्केल में ना इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका लीज काउंट होएगा लीज काउंट देट विल भी इक्वल टू वन एम एम डिवाइडेड बाई हंड्रेड सो दैट विल भी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम यह आपकी लीस काउंट की वैल्यू हो गई ना डाय मीटर जो है अगर जिस भी वायर uh, का डाय मीटर अगर आप नाप नापना चाह रहे हैं तो डाय मीटर uh, उसकी वैल्यू होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग तो मेन स्केल रीडिंग जो है वो अपने को यहाँ पे दी हुई है ज़ीरो प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो अपने को दी है फिफ्टी टू मल्टीप्लाइड बाय लीस काउंट दैट इज़ फिफ्टी टू मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो पॉइंट जीरो वन एम एम सो यानी कि आपका जो डायमीटर मीटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो uh, पॉइंट uh, इसकी वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो पॉइंट फाइव टू मिली ना अगर चार आंसर्स देखेंगे चारों आंसर अपने को सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.052 टू सेंटीमीटर दैट विल बी आर फाइनल आंसर दैट मीन्स ऑप्शन फोर दैट वुड बी द करेक्ट चॉइस